शांति तो अपने भीतर से ही प्राप्त होगी और उसका रास्ता है अपने मन को प्रभु में लगाना और उसमें अटूट विश्वास रखना। जो व्यक्ति यह अनुभव करता है कि ईश्वर उसके भीतर विद्यमान है और बराबर उसके साथ है, उसे एकाकीपन का अनुभव हो ही नहीं सकता। मुझे जो कुछ भी शांति मिली है इसी विश्वास के बल पर मिली है कि हर चीज़ के पीछे ईश्वर का हाथ है। फिर विपत्तियां नहीं रह जाती, वे हमारी आस्था और दृढ़ता की परीक्षा करती है। संयत जीवन बिताने में ईश्वर प्राप्ति की उत्कट जीवंत अभिलाषा निहित है। जब इस परम तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तब ईश्वर के ऊपर यह भरोसा बराबर बढ़ता ही जाता है कि वे स्वयं ही अपने इस यंत्र को, मनुष्य के शरीर को विशुद्ध और चालू रखेंगे। मुख्य वस्तु ईश्वर पर श्रद्धा है और जिसके मन में श्रद्धा है वह अपनी दुर्बल स्थिति में ईश्वर की सहायता मांगता है और उसे सहायता मिलती भी है। प्रार्थना किससे करें? ईश्वर क्या सहायता करने के लिए निठल्ला बैठा हुआ है? अगर निठल्ला बैठा हो तो वह अंतर्यामी होने के कारण प्रार्थना करने से पहले ही रोग समझकर उसका निवारण करता। इस तरह की दलील प्रपंच में न पड़ते हुए ईश्वर की गति गहन समझकर और दूसरे जो उसकी शरण लेकर तर गए हैं उनके दृष्टांत को सामने रखते हुए श्रद्धापूर्वक सच्ची हृदय से याचना करनी चाहिए।